तो एमआर के जितने फॉर्म थे और एसएसआर वगैरह के भी थे सब पोस्टपोन हुए हैं, ज़्यादातर देहरादून के हुए हैं, कानपुर के हुए हैं, महाराष्ट्र वाराणसी वगैरह के भी हुए हैं। बाकी जो पहला फॉर्म रिजेक्ट हुआ था वो हुआ था आपका 16 सितंबर का, जिनका मैसेज दो दिन पहले मतलब 14 सितंबर को आ गया था, जिनका पेपर कल है या परसों है उनके भी रिजेक्ट हुए हैं किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से देहरादून में मोस्टली। तो जिन जिनके पास मैसेज आ रहे हैं मैसेज पर यार ध्यान रखो, मेल वगैरह आ रहे हैं जो ईमेल आईडी आपने डाली थी। बाकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उस पर आप जाके एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के अपना चेक भी कर सकते हो एडमिट कार्ड। तो ऐसा है, ये मैसेज आ रहा है, डियर एमआरई, तो एमआरई का मतलब ये एमआर का आपका जो मैसेज है, योर आईएनईटी एग्ज़ाम 21/9/2019 शेड्यूल्ड एट नालंदा आईटी सॉल्यूशंस देहरादून, मतलब 21 सितंबर का पेपर नालंदा आईटी सॉल्यूशन में था देहरादून में, हैज़ बीन पोस्टपोन, जो अब पोस्टपोन हो चुका है, प्लीज़ चेक योर डैशबोर्ड फॉर फ्रेश एडमिट कार्ड ऑन 19 सितंबर आफ्टर 5 PM। तो अपना डैशबोर्ड चेक करें, डैशबोर्ड चेक होगा भाई लॉगिन करके आईडी और पासवर्ड से, वहाँ पे डैशबोर्ड पे आपका नया एडमिट कार्ड मिलेगा आपको, जो मिलेगा आपको 19 सितंबर 5 बजे के बाद। तो 19 सितंबर 5 बजे के बाद आपके पास अगर कोई ऐसा मैसेज आया तो आप ध्यान रखना उस मैसेज का। तो बहुत से पोस्टपोन हुए हैं, अपना अभी भी चेक कर लो, बाकी अपना फ़ोन वगैरह चेक कर लो, ऐसा कोई अगर मैसेज आया हो SSR का हो तो SSR करके कुछ एप्लीकेशन नंबर होगा आपका, SSR AA होगा तो SSA करके कुछ होगा, ये MR का है इसलिए MRE करके है। तो बाकी मैं लिंक दे दूंगा इसके जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर अपना चेक कर सकते हो आप, और बाकी कुछ डिटेल मिली तो मैं आपको इसमें कमेंट में पिन कर दूंगा ऊपर, कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन ज़रूरी मिली तो। और आज मैंने आज की अपडेट नहीं बताई थी आपको, वो अपडेट भी मैं अभी बता रहा हूँ कि रेलवे ग्रुप डी का जो था वो एडमिट कार्ड कब आएगा अभी कोई पता नहीं है इसका, नेवी के यहाँ से एडमिट कार्ड वगैरह सब निकल जाएंगे, हरियाणा कलर के एडमिट कार्ड आज डाल दिए उन्होंने 3 बजे के बाद, हरियाणा कलर का सबके नहीं डाउनलोड हो रहे थे लेकिन अभी हरियाणा कलर के आप डाउनलोड कर सकते हो एडमिट कार्ड। BSF इंडिया हेड कॉन्स्टेबल का भी 22 तारीख का पेपर है, SSC GD ने की दूसरी मेरिट लगा दी है, अगर आपने अभी तक SSC GD की मेरिट नहीं देखी है तो देख लें, लिंक नीचे दी हुई है मैंने, इसकी भी मैं लिंक यूट्यूब पर भी डाल दूंगा। तो भाई ये हैं NVS वगैरह के 6 वाले पेपर की लास्ट डेट बढ़ा के 30 तारीख कर दी, हरियाणा पटवारी की लास्ट डेट आज, तो और बाकी के तुम्हारे दिए हुए हैं इस पर, दिल्ली पुलिस की आई है नोटिफिकेशन, तो ये कुछ नोटिफिकेशन है दिल्ली पुलिस की कि दिल्ली पुलिस SI में SSC CPO निकालता है वैसे, ने ये स्टार्ट होने थे आज लेकिन अभी हुए नहीं हैं, हो जाएंगे शायद थोड़ी बहुत देर में या फिर कल होंगे, लास्ट डेट 15 अक्टूबर तक ये फॉर्म भरे जाएंगे शाम 5 बजे तक। दिल्ली SI के लिए चाहिएगा ग्रेजुएशन और ड्राइविंग लाइसेंस होना, ठीक, 20 से 25 साल की उम्र जो चाहिए होगी 1 अगस्त 2019 तक। जनरल OBC की फ़ीस 100 रुपये है, SST की 0 है, फीमेल किसी भी कैटेगरी को 0 रुपये लगेंगे उनके, तो यहाँ पे लिंक आ जाएंगे जैसे ही आ जाएगा। अतुल माहेश्वरी के एडमिट कार्ड आने को हैं अभी इस महीने के लास्ट तक, तो यहाँ पे चेक कर लें कब आएंगे कब नहीं। ITI UPI में अभी प्राइवेट वाले आप भर सकते हो, बाकी का अभी इसका कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ से आप एडमिट कार्ड वगैरह निकाल सकते हो। CTET की लास्ट डेट कल है, बहुत बेकार चल रही है वेबसाइट, टेक्निकल एरर दे रहा है, जब आप भरोगे फॉर्म दिन में तो ये दिक्कत दे देगा, अवर सर्वर्स आर फेसिंग ए टेम्प्रेरी टेक्निकल प्रॉब्लम, वी रिग्रेट द इनकन्वीनियंस, मतलब आप प्राइवेट या ब्राउजिंग में करोगे तो शायद हो जाए, ठीक। तो भाई इसका ध्यान रखना आप, ये चलेगा कम से कम, रात को साइट चलती है 1 बजे से 4 बजे के बीच में, और ये CCS की टॉप न्यूज़ दे रखी है जो CCS, ये मैं डेली अपडेट करता हूँ इस पर। नवोदय विद्यालय लास्ट डेट बढ़ा के 30 तारीख कर दी, BSF हेड कॉन्स्टेबल जो पेपर ओल्ड डेट थी वो नई डेट इसमें दे रखी है मैंने, एडमिट कार्ड की लीक सर्वर दे रखे हैं, और इसकी एक ज़रूरी जानकारी है कि एडमिट कार्ड जिन्होंने 13 सितंबर 2019 शाम 5 बजे से पहले डाउनलोड करे हैं उन्हें दोबारा से निकलवाने हैं एडमिट कार्ड जो इस पर दिया हुआ है, क्या कारण है इस पर कुछ ऐसा लिखा हुआ नहीं है। और आपका आर्मी जो UP वाले हैं वो आजमगढ़, बलिया, चंदौली, देवरिया, गाजीपुर, गोरखपुर, जौनपुर, मऊ, मिर्ज़ापुर, संत रविदास नगर, सोनभद्र, वाराणसी, यहाँ के चल रहे हैं, इसके अलावा कहीं के नहीं चल रहे यूपी में। और SSC GD के हाँ ये लिस्ट हैं जो पेपर हुए हैं, जो PDF डाउनलोड PDF आई हैं, जो रिजल्ट हैं वो दोबारा से जो रिवाइज होके आई हैं उसमें ऐसे बताने, लगभग 2000 बच्चों को लिया और गया है। जेल वार्डन के एडमिट कार्ड कब आएंगे कोई पता नहीं है, इंडिया पोस्ट के अभी भी यार पेंडिंग है, कम से कम 1.5 साल पहले फॉर्म भरे गए थे, इनकी मेरिट लगनी है, कुछ पता नहीं कब लगेगी। दिल्ली पुलिस की भर्ती यहाँ चलने वाली है, आजकल में आ जाएंगी निकलिंग, बताया जा रहा है कि NTPC का एडमिट कार्ड भी इस महीने के अंत तक आ जाएगा। UPTET की 18 तारीख से आने की संभावना, CTET खत्म होंगे और UPTET आ जाएंगे ऐसा कुछ है, लेकिन CTET का जिस तरीके की वेबसाइट चल रही
चल रही है, अभी शायद बढ़ सकती है उनकी डेट। यूपी स्कॉलरशिप की 10 अक्टूबर लास्ट डेट है, वो भी 10वीं के ख़त्म हो गए 10 सितंबर को, और बाकी की कुछ नहीं है, बस यही है। बाकी डेली अपडेट करता हूँ, इसे वेबसाइट को चेक करते रहा करो, क्योंकि इस पर ज़रूरी ज़रूरी चीज़ें मैं डालता रहता हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी अगर कोई MR SSR के बारे में कुछ भी जानकारी मिलेगी तो मैं यहाँ कमेंट में बताऊँगा, या फिर कोई ज़्यादा ज़रूरी जानकारी हुई तो मैं यहाँ वीडियो एक बना के डाल दूँगा।